गोयल से मुमरा बदलना चाहते हैं या विकास करके? दोनों से। 40 सीट पक्का? 40 सीट पे जीतेगा। दुआओं से हमारी जीत होती है। ये टूर्नामेंट करा के वोट गिनेंगे? वोट हमें तो प्यार चाहिए, हम तो प्यार के भूखे हैं। जहाँ प्यार करना वहाँ प्यार भी करेंगे। मुमरा कलवा से 40 सीट का मिशन है हमारा। शमीम खान तो लगाता है ना, वो लगाओ तो मुमरा सिंगापुरी दिखता है। हर प्रोग्राम में आपका ही फोटो होता था। आप रोड पे लेट जाते हैं, लेटने वाला भी काम करेंगे, जहाँ लेटाने वाला काम होगा लेटाने वाला काम भी करेंगे। आपका सपना था, खेलेगा मुमरा और जीतेगा मुमरा। देख रहे प्रहार टाइम, जिस वक्त मैं जो है मुमरा के शिमला पार्क स्टेडियम में हूँ, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खेल हो रहा है। ये जो है खेल, इसका नाम दिया गया है नामदार प्रीमियर लीग 2022, यानी जो है ये जो है एक ऐतिहासिक जो है प्रोग्राम यहाँ पर जो खेल के मंच पे देखा जा रहा है। यहाँ पे इस मंच से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे पीछे खेल किस तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पर जो है खेल। ये एनसीपी के जो है लोग हैं, कौन हैं हम जानेंगे। बहरहाल जो है एक बड़ा मजमा लगा हुआ है यहाँ पर, एक बड़ा प्रोग्राम जिसे कहा जाए वो यहाँ पर हो रहा है। और इसमें जो है हम बात करेंगे जो है यहाँ पे शमीम खान है, सैयद अली भाई साहब है, हम उनसे जानेंगे आखिर जो है ये किसके तरफ से प्रोग्राम रखा गया है और इस प्रोग्राम में क्या ऐसी खास बात है। एक बहुत बड़ा जो है आज यहाँ पे खेल का प्रोग्राम रखा है और क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए मुबारकबाद शमीम खान साहब को, हमारे पप्पू भाई को, हमारे जितने भी वेरियर्स हैं यहाँ पे, जो है क्वींस है, सेंट्रल कोर्ट है, एमएम मुक्ता, सबको मुबारकबाद, पूरी इस टीम को मुबारकबाद, यहाँ पे जितनी कमेटी मेंबर हैं उनको मुबारकबाद, और शहर के अंदर जो है बेहतरीन गेम देखने को मिल रहा है। नामदार जो है प्रीमियर लीग 2022 जो आपने डाला है, ये कराने का मकसद क्या है? देखिए ऐसा है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। मुमरा प्रीमियर लीग होती थी, अभी नामदार प्रीमियर लीग का एक कॉन्सेप्ट आया। हमारा भाई छोटा लेट तनवीर के उस पर पप्पू भाई और हमारे शमीम भाई ने मिल के इसको किया, तो अभी ये कितना अच्छा लग रहा है कि लोग खेल रहे, लोग क्रिकेट खेल रहे, स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं, तो एक माहौल बनता है शहर का। शमीम भाई देखा जाए तो आप जो है आंदोलनकारी है, हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, आंदोलन में आप काफी फेमस है, माहिर है, और आज जो है ये जो टूर्नामेंट आप करा रहे हैं, ये आपको कैसा मतलब जागा है कि ये कराना चाहिए? देखिए आज का जो ये नामदार चषक है, ये भाई साहब की सदारत में हो रहा है, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में किया जा रहा है, और आज ही इसका उद्घाटन भाई साहब के हाथों से, हमारे अपोजिशनर शानू भाई के हाथों से किया गया है। मिनिस्टर साहब को आना था लेकिन लेट पहुंचेंगे वो। हमारे नगर सेवक राजू अंसारी साहब, जफर नोमानी साहब, हमारी अश्विनी राउत भाभी, रूपाली गोटे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूछा कि ये क्या जगह है। मेरा एक मैंने जब एमपीएल आपका सपना था कि खेलेगा मुमरा जीतेगा मुमरा, जब एमपीएल हुआ था वो करके आप तो मैंने एक नारा दिया था, ये हमारी सोच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब कि खेलेगा मुमरा और जीतेगा मुमरा। सिर्फ मुमरा में नहीं, देश के कोने कोने के अंदर। फिर मैं बोल दूंगा कि वर्ल्ड में भी खेलेगा तो लोग बात अलग पैदा करेंगे। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, मुमरा तोसा के वो एक बच्चे जो आप दिखाओ कैमरे के माध्यम से, आपके आज ये जो हमारे भाई मरहूम, मेरा छोटा भाई लेट तनवीर के नाम से, हमारे भाई पप्पू एहतशाम खान साहब और पूरी टीम, हम लोगों की पूरी टीम मिल करके आज जो इतना खूबसूरत सजाया है इसको, मैं सबसे पहले वो पूरी टीम को, एहतशाम भाई को, हमारी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जो है हमेशा मुशायरा करवाते थे, आपकी पूरी टीम, और आज जो है मुशायरा 3-4 साल से नहीं हो रहा है और ये आप करा रहे हैं, क्या वजह? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मुशायरा में जो बताता हूँ देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कोशिश होती थी कि उर्दू अदब को बढ़ावा दिया जाए। उर्दू अदब को बढ़ावा देने के भाई साहब हम मुशायरा करते थे हमेशा, लेकिन आज 2-3 साल से आप देख रहे हैं कोरोना के हालात क्या है, लोग आज क्राउड से
घबरते हैं। देखिए बहुत दिनों के पहले हजरत मौलाना मोइन उद्दीन असरफ साहब के क्यादत में एक यहाँ पे मुमरा में एक मुमरा के ताल्लुक से ऐसा हम लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया था, जो ये था कि नशा मुक्त मुमरा का एक नारा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा करें आप लोग कि ये जो नशा मुक्त करने के लिए अगर मुमरा कोसा के नौजवान बच्चों को आप लोग खेल कूद की तरफ लाएंगे तो उन बच्चों का हौसला बढ़ेगा और वो बच्चे उस नशा से भागेंगे और खेल में इंटरेस्ट लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक सोच थी। तो इन सोच के साथ आज मुमरा कोसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम के अंदर 25, 26, 27 तीन दिनों तक ये प्रोग्राम आयोजित है। मैं ये कहना चाहता हूँ मुमरा कोसा की आवाम को और प्रहार टाइम्स के माध्यम से जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, मैं उन यूथ को, मैं अपने उन पेरेंट्स को, उन बच्चों के कहना चाहता हूँ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और तनवीर उसके नाम पे देखिए वो लेट तनवीर का स्टैंड बनाया गया है। अपना एक भाई लेट मुजम्मिल शेख उसके नाम पे स्टैंड बनाया गया है। ऐसे प्रोग्राम अभी जवाहर भाई आए, राजू अंसारी साहब आए, भाई साहब इन्होंने यही कहा कि शमीम भाई वाकई में देख करके ऐसा लगता है कि हम मुमरा के ग्राउंड में नहीं हैं। मैं फिर कह दूंगा कि राजू भाई और जवाहर भाई ने इशारा किया कि हम लोग कोई और कंट्री में बैठे हुए ऐसा उन्होंने कहा, तो लोग वहाँ भी कमेंट कर देंगे तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका यही कहना था कि शमीम भाई लगता नहीं है कि हम मुमरा में खूबसूरत है। खूबसूरत इस तरह से ये काफ़ी बड़ा जो है स्टेडियम में प्रोग्राम पहली बार देखा जा रहा है, नामदार प्रीमियर लीग जिस तरह से सजावट है यहाँ की, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। तो कहीं ना कहीं शमीम भाई आप पीछे क्यों हैं, आगे क्यों नहीं, आपका कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? अरे जहाँ पे मिनिस्टर साहब और भाई साहब था मैं हूँ। नहीं ऐसे हर प्रोग्रामों में आपका ही फोटो होता था, आप ही आप होते थे, यहाँ तो आप पीछे दिख रहे हैं। आप समझे नहीं, अरे भाई पीछे रह के भी काम करना, काम 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 को काम बोलता है, देखा जाता है आंदोलन हो चाहे नहीं, ऐसा नहीं है फिरोज, अन्य काम हो जहाँ पे रोड पे लेट जाते हैं, बहुत सारे काम कर जाते हैं, जहाँ पे उसकी जरूरत है तहाँ लेटने वाला भी काम करेंगे, जहाँ घुसने वाला काम है तहाँ घुसने वाला भी काम करेंगे, जहाँ लेटाने वाला काम है लेटाने वाला काम भी करेंगे, जहाँ पेन चलाना वहाँ पेन भी चलाएंगे, और जहाँ दुआ देना वहाँ दुआ भी देंगे, जहाँ प्यार करना वहाँ प्यार भी करेंगे। यही हमको सिखाया है हमारे वालदेन ने और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने और भाई साहब की क्यादत ने हमको यही सिखाया है। और इंशाल्लाह ताला इस शहर को तरक्की दिलाने के लिए, शहर को डेवलपमेंट दिलाने के लिए हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में हमेशा हमारे शहर को लेकर काम करेंगे। और जहाँ वो फोटो आ गया, जहाँ भाई साहब खड़े हो गए, तहाँ शमीम खान खड़ा हो गया। तो यानी आपका जो है मकसद पूरा हो गया, जो आपने टाइटल दिया था, जो आपके मंत्री जितेंद्र आवाज ने टाइटल दिया था, उसी के आधार पे मुमरा और जीतेगा मुमरा, और मुमरा इंशाल्लाह ताला देश के कोने कोने पहुंचेगा, यही सपना है, यही सोच है। तो ये जो है इस खेल में कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं? देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। भाई साहब को बताया मैंने, बहुत खुश हुए यहाँ पे। तो मैं अगर आपसे बोलूँ तो कामरान भाई भी खेल रहे हैं, कामरान भाई को आप जानते हैं, उन्होंने दुबई में भी खेला है, आईपीएल खेला कामरान ने, इंडियन आईपीएल खेला कामरान ने, ऐसे देश के बहुत बड़े बड़े आईपीएल खिलाड़ी हैं। और मुमरा के बारे में जो लोग बात निगेटिव करते हैं, उनके आँखों से ये जो ब्लैक चश्मा बाहर निकाले और चश्मे के बिना देखें तो मुमरा सिंगापुरी दिखता है। भाई साहब कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से, या अन्य लोग जो भी पीछे हैं, शमीम भाई तो खुल के नहीं आ रहे, लेकिन जो भी पीछे हैं इसके, एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, एक अलग मैसेज दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग खेल रहे हैं वो कहाँ कहाँ के लोग हैं, जरा एक बार आप फिर से बताइए। इंटरनेशनल प्लेयर्स लोग खेल रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि शहर के अंदर ये जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह से हर बार होगा क्या? बिल्कुल होगा, कि पहली बार करा के बंद कर देंगे। जब मुमरा एमपीएल हुआ पूरा हो गया बंद, मुमरा एमपीएल हुआ 12वां, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम शहर में मौजूद हैं, ऐसा खबर ऐसा नहीं है, ऐसा शमीम भाई लग रहा है वाकई में, जो हमने नारा दिया था सिंगापुर की, मतलब सोच बदलो मुमरा बदलेगा, वही वही चीज है। माशाल्लाह खूबसूरत नजारा देखिए, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। मैं जितना भी मुबारकबाद पेश करूँ शमीम खान साहब को, बहुत मुबारकबाद के काबिल है भाई साहब है, और ये जो नाम जुड़ गया है, नामदार चषक खूबसूरती के लिए बहुत बड़ी बात है, नाम ही काफी है। शमीम भाई आप खेल से मुमरा बदलना चाहते हैं या विकास करके? दोनों से, पहला विकास फिर खेल, और खेल और विकास यही तो नारा है हमारा, एजुकेशन हेल्थ
इसके लिए तो हम लोग काम करते हैं, हमारे नगर जो हमारी पार्टी काम करती है। क्या नया काम कुछ हो गया क्या अभी? नया काम, नया विकास हो गया? अरे नया काम वही पुराना। अरे पुराना क्या है? हाँ। आप जहाँ खड़े हैं ये क्या है? NPL क्या है? हाँ। नया है ये स्टेडियम। और स्टेडियम क्या है? आप जो खड़े हैं ये आप इसको नया ही कहेंगे, लेकिन आज इस स्टेडियम को दिखाओ आपके माध्यम से उनको, उनको बोलो जो ये लगाते हैं ना प्लेक वाला कांच, उसको बाहर निकालो। शमीम खान तो लगाता है ना, वो लगाओ तो बराबर दिखेगा सब। सेम ही तो दिख रहा है, आपके भी ब्लैक कांच है और नहीं, गलत फहमी आपकी। आप ये देखिए ब्लैक नहीं है, है क्या ब्लैक नहीं है? आदमी साहब नहीं है, ब्लैक नहीं है। शहर का विकास हुआ। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब का सपना था कि नामदार चषक हो महाराष्ट्र में, नहीं हिंदुस्तान में नाम हो। इस तरीके से यहाँ पे नामदार चषक का एक टूर्नामेंट रखा गया है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे मुमरा को के लोकल एथलीट्स के लिए, लोकल क्रिकेटर्स के लिए। तो यहाँ आकर के अपने जौहर को, अपने हुनर को यहाँ पर दिखा सकते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों को दिखा सकते हैं हम कितने अच्छे बैट्समैन हैं, कितने अच्छे बॉलर हैं, कितने अच्छे फील्डर हैं। और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई चुन करके हमारा बच्चा आगे जाके स्टेट में खेले, रणजी ट्रॉफी में खेले, या हो सकता है हमारे देश के लिए खेले। शहर को, जनता को ये समझ में आ रहा है कि आप इससे वोट बटोरने वाले हैं, किसकी तैयारी आप कर रहे हैं? वोट? हाँ। अरे वोट तो लोग आने वाला चुनाव, आने वाला चुनाव नगर सेवक का, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? भैया आपको हम बता दें, ये शहर भी हमारा है, यहाँ की आवाम भी हमारी है, हम आवाम के खादिम हैं, तो हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अरे जो शहर में विकास मिनिस्टर साहब ने किया है, हमारे नगर सेवकों ने किया है, इंशाअल्लाह ताला यहाँ की आवाम मोहब्बत देती है, प्यार देती है, उसी को आप वोट कहते हैं। हमें तो प्यार चाहिए, हम तो प्यार के भूखे हैं। आगे और सपना है कि इंशाअल्लाह ताला, आज बता देता हूँ मैं आपसे, मेरा सपना क्या है, मंत्री जी सपना क्या है, आगे और सपना है कि इंशाअल्लाह ताला मुमरा कलवा से 40 सीट का मिशन है हमारा। 40 सीट का मिशन आज टूर्नामेंट के, आज टूर्नामेंट के मन से आप कह रहे हैं 40 सीट का मिशन है, 40 सीट का मिशन है। और इंशाअल्लाह ताला एज ए पार्टी प्रेसिडेंट आपसे कहना चाहता हूँ, ये मुमरा कौसा की आवाम 40 सीट मंत्री जी को दे करके एक तोहफा देगी। और मुमरा कोसा की आवाम ने ही मंत्री जी को मिनिस्टर बनाया है, और ये बहुत बड़ा तोहफा है। और इंशाअल्लाह ताला राष्ट्रवादी कांग्रेस के बिना थाने महानगर पालिका में, मान लिया जाए कि आपकी, मान लिया जाए कि आपकी आज से तैयारी शुरू है। तैयारी? अरे भैया जिस दिन इलेक्शन का काउंटिंग खत्म होता है, और जिस दिन तक हम, उस दिन से लेकर के और आने वाले इलेक्शन तक हम 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, हम कभी सोते नहीं। मिस्टर लोग बोल रहे हैं कि जो है ये जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा, शमीम खान साहब आपके अध्यक्षता में जो है विकास का काम हुआ नहीं है, अब ये टूर्नामेंट करा के वोट गिनेंगे? आवाम नहीं कहती है, आवाम नहीं कहती है, यहाँ के कुछ लोग हैं। आज यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और लोग जो है वहाँ बात कर रहे हैं। सुनिए, जो बात करने वाला है वो बात करते ही खत्म हो जाएगा, और जो काम करने वाला है वो काम करता रहेगा। हम बात पे नहीं गिनते हैं, हम काम पे यकीन रखते हैं। और हमारे नेता, हमारे नगर सेवक, हमारे नगर सेविकाएं, हमारी संगठन काम पे यकीन रखती है, और काम ही का रीजन है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शहर ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब को मिनिस्टर बना दिया है, हमारे नगर सेवकों को नगर सेवक बना दिया है, और हम जैसे लोगों को खिदमत गुजार बना दिया है। जीतेगा मुमरा और खेलेगा मुमरा, और इंटरनेशनल प्लेयर बन करके मुमरा से बच्चे हमारे इंटरनेशनल में जाएंगे। और एक नारा ले लीजिए आप, अभी तक कहा था ना खेलेगा मुमरा और जीतेगा मुमरा, आज और एक नारा दे देता हूं मैं कि मुमरा कौसा ही इंशाल्लाह ताला जीतेगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीतेगा। 40 सीट पक्का है, 40 सीट पे कलवा मुमरा से 40 सीट पे जीतेगा। आज सेकंड नारा दे के जाता हूँ कि खेलेगा मुमरा, जीतेगा मुमरा, और मुमरा कलवा से राष्ट्रवादी ही जीतेगा। मुमरा कौन है? हाँ, आपने गलत बात कहा, 40 सीट अभी गलत बात कहा आपने। सुनिए, मुमरा कलवा वाले, मुमरा कौसा वाले लिख के नहीं लिख रहे, मुमरा कौसा वाले ने, मुमरा कलवा लोगों की दुआओं से हमारी जीत होती है। हमारे यहाँ पे इतने नगर सेवक हैं, और इन्हीं की दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला मुमरा जीतेगा।
तो आपने सुना शमीम खान, सैयद अली भाई साहब और अन्य लोगों ने क्या कहा इस खेल को लेकर। इस खेल के मन से बहुत सारी बातें उन्होंने की है, यहाँ तक इस खेल से शुरू किया है, वो चुनाव तक चले गए हैं, चुनाव की भी बातें यहाँ ही हो गई है। उन्होंने इस मंच से वादा किया कि इस बार 40 सीट यानी जो नगर सेवक का चुनाव आने वाला है 40 सीट का दावा कर दिया। समाज राजनीति में जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।